अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि 7 रुपये की दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने के मूड में है इस टाइम पे नेपरा, और अलाउ करिए डिस्कस को कि वो 7-7 रुपये बढ़ा सकते हैं यूनिट की प्रोडक्शन पे। ऐसा ही है। एक तो ये वजह बताएं, इनको कहीं कहीं रुकेगी बात या ये बढ़ाते ही रहेंगे? 200-500 जिधर मर्जी ले जाएं, ये तो कोई रुकावट ही नहीं है। सही है। जितनी मर्जी महंगी बिजली बनाते रहे, सोना पिघला के बिजली बनाते रहे और बोले हम तो सोने से बना रहे हैं, तो हमें तो भाई 1000 रुपये यूनिट बेचेंगे हम। ऐसे ही है। तो पहले इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं पहले। बिल्कुल, आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। देखें, बिजली का बिल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़े जा रहा है कि नाअहली है स्टेट की तरफ से, कि जिस मैकेनिज्म के थ्रू बिजली बना रहे हैं और जो अग्रीमेंट्स करे हुए हैं IPPs के साथ, वो किए हुए हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना बना सकते हैं, तो हम उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देते हैं। दूसरा ये कि फर्नेस ऑयल महंगे तेल से बना रहे हैं, तेल तो महंगा ही होता है, सस्ता तेल तो कोई नहीं होता, या कोई जैतून का तेल या सरसों का तेल वाला डिस्टिंक्शन तो है नहीं कि सरसों का सस्ता है और जैतून का महंगा है, ऐसा नहीं है। फर्नेस ऑयल से बनाएंगे, इंपोर्टेड ऑयल है, पाकिस्तान में निकलता नहीं है तो महंगा ही पड़ेगा। आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ मैकेनिज्म, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी मौजूद है, सोलर मौजूद है, विंड मौजूद है, हाइडल मौजूद है, बट उस पर वर्क नहीं कर रहे। हाइडल के प्लांट लगाने में 8-8, 10-10 साल लगते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। आज काम करेंगे तो 10 साल बाद उसकी बिजली मिलना शुरू होएगी, बट फिर जब मिलेगी तो 30-40 साल तक मिलती रहेगी। आप उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थोड़ी बहुत करते रहेंगे तो वो ठीक चलता रहेगा। ये हाल सोलर या विंड का नहीं है। विंड और सोलर का जो लीड टाइम है वो बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं। विंड में फिर मूविंग पार्ट्स हैं, सोलर में बिल्कुल ही मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो वो सबसे आइडियल है। सोलर के प्लांट्स नहीं लग रहे, आप देख रहे हैं IPP लेवल पे नहीं लग रहे, जो थोड़े बहुत लग रहे हैं वो कंज्यूमर अपने एंड पे लगा रहे हैं, उसमें रेजिडेंशियल कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, जो अपने एंड पे लगा रहा है वो लगा रहा है। स्टेट लेवल पे अगर आप देखें तो जब तक आप अपने एनर्जी मिक्स के अंदर सस्ती बिजली को ऐड नहीं करेंगे, आपका जो एनर्जी की प्राइसेज हैं वो आप बेशक 1000 रुपये भी कर दें आज यूनिट की, आपका ये जो सर्कुलर रेट का मसला है ये सॉल्व नहीं होना, क्योंकि आप जो अग्रीमेंट्स कर रहे हैं वो IPPs के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कर रहे हैं, अग्रीमेंट ही गलत कर रहे हैं। उसके बाद बना इतनी लेते हैं, आगे कंजम्पशन नहीं होती, क्योंकि रियल टाइम मैनेजमेंट नहीं है, रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस एरिया में कितनी डिमांड है किस वक्त। तो जब इस तरह चलेंगे तो 1000 रुपये क्या, आप 1 लाख रुपये भी यूनिट का रख लें तो वो 4-6 महीने आपके अच्छे निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर से आप पे कर्जे का अंबार खड़ा हो जाएगा जो आपसे पूरा नहीं किया जाएगा। ये रिन्यूएबल्स की एक बहुत बड़ी लॉजिक सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दी जाती है कि रिन्यूएबल्स का असल में पता नहीं चलता कि किस टाइम पे होएगा, किस टाइम पे नई प्रोडक्शन होगी। जो फॉसिल फ्यूल से हम बनाते हैं उससे तो हमें पता होता है ना, हमने 1 मेगावाट का जनरेटर ऑन कर दिया तो देता रहेगा हमें 1 मेगावाट। तो वो जो पाकिस्तान की सिचुएशन में अगर ये बात लागू करें तो वो जो हमें 1 मेगावाट दे रहा है वो तो दे ही इतनी महंगी रहा है और उसकी आगे ज़रूरत ही नहीं है। रिन्यूएबल से अगर आपको 500 किलोवाट भी मिलते हैं, बकाया 500 की आपको लोड शेडिंग भी करनी पड़ती है, तो जो कॉस्ट इतनी कम आती है उसको फैक्टर इन तो करते नहीं है कैलकुलेशन में, कि अगर आप बोल रहे हैं कि यार मैं 10 रुपये की बिजली दूंगा पर मैं 5-6 घंटे लोड शेडिंग मुझे करनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है। आप कह रहे हैं मैं 100 रुपये की बिजली दूंगा और उसमें टैक्सेस भी लगाऊंगा और सर्कुलर डेट भी खड़ा कर लूंगा और बिजली दे भी नहीं पाऊंगा, और फिर उसके बावजूद लोड शेडिंग पाकिस्तान में अभी से इतनी हो गई है, गर्मियों में जाके पता नहीं क्या हालात होंगे। देखें, जो आपने बात करी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जब एनर्जी मिक्स में प्राइसेस को लोअर करवाते हैं एवरेज की वजह से, तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप लोड शेडिंग उसमें क्रिएट कर रहे होंगे। आप अगर आज मैनेज नहीं कर पा रहे महंगी बना के, तो आप सस्ती बना के तो मैनेज कर ही नहीं सकते ना, ये तो आपकी नाअहली है, इसमें सिस्टम का कोई फ्लॉ नहीं है। भाई आप 24 में से 8 घंटे सस्ती तरीन बिजली बनाएं, बाकी 16 घंटे के लिए आप बाकी एनर्जी का मिक्स यूज़ करें। आपके पास हाइडल 24 घंटे मिल सकती है आपको, आपको विंड 24 घंटे मिल सकती है, और उसके बाद आप बैटरी बैंक्स, बैटरी रिजर्व्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करवा सकते हैं, आप रेजिडेंशियल कमर्शियल लेवल पे भी करवा सकते हैं नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट, कि जिसमें आप पीक आवर्स के वक्त और इंसेंटिवाइज करें नेट मीटरिंग को, और उसके बाद आप फर्नेस ऑयल को लास्ट प्रायोरिटी पे रखें, कि जब कोई एनर्जी सोर्स ना चले तो आप फर्नेस ऑयल को यूज़ करें। बट आपका निज़ाम ही इतना बाबे के ज़माने का है कि आपको पता ही नहीं लगता कि कब कितनी बिजली चाहिए और किसको चाहिए, इसलिए आप अपने जनरेटर जो है उनको ऑन करके फुल कैपेसिटी में तुना हुआ छोड़ देते हैं और बस छोड़ देते हैं, कामों में बिजी रहते हैं, और फिर उसका जो पैसा देना होता है वो कर्ज़ा पकड़ते हैं बाहर से और उसको दे देते हैं। तो ये तरीका नहीं है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, जैसे अभी नहीं चल पा रहा, क्या हो रहा है, कर्ज़ा बढ़े जा रहे हैं, दिया नहीं जा रहा है, एंड कंज्यूमर पिसे जा रहे हैं। एंड कंज्यूमर को अभी 80 रुपये की बिजली आ रही है, कमर्शियल कंज्यूमर को विद टैक्सेस 80 रुपये की बिजली में उसकी वायबिलिटी नहीं बनती। और अभी आप 100 कर लें, आप इसको 150 कर लें, 500 कर लें, जो 80 में ही बन रही थी वह 500 में कहाँ से बनेगी। कभी भी कंज्यूमर कर्ज़ा लेके अपनी इंडस्ट्री नहीं चलाता, वो अपनी कमर्शियल एंटिटी के बिल देने के लिए कर्जे नहीं पकड़ता,
क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है। बट पाकिस्तान का जो जो लोग ये चला रहे होते हैं, जो भाभड़ा चला रहे होते हैं, जो बाकी डिस्कोस चला रहे होते हैं, वो कर्ज़े पकड़ के अपना इदारा चला लेते हैं और आखिर में माइनस में खड़े होकर फिर स्टेट से सब्सिडी ले लेते हैं। और सब्सिडी कहाँ से आती है? अगेन टैक्स पेयर के पैसे से आती है। टैक्स पेयर ही बाद में पैसे भर रहा होता है कि ये इसकी मद में आप रिलीफ के पैसे भर रहे हैं और ये वो वाली टैक्सेशन लगी है, और कर्ज़ा ख़त्म भी नहीं होता, उसी के सूद दिए जाते हैं। तो अगेन बेवकूफ़ों वाला निज़ाम है, बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, दुनिया सही तरीके से चल रही है और जो लोग सही तरीके से चला रहे हैं सारे सिस्टम को, वो तो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हैं, सूरज हमारे पास अबंडेंट है, आप देखें कितना अच्छा मौसम है, अभी 29 डिग्री सेल्सियस है, कराची का मौसम है ये, कराची ट्रॉपिक के पास आता है, एफिशिएंसी होती है 25 डिग्री पे, 29 डिग्री, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और बहुत अच्छी सनलाइट है और बिल्कुल कोई स्मॉग नहीं है, बिल्कुल क्लियर होराइजन है, क्लियर सनलाइट पड़ी है सोलर पैनल्स के ऊपर। इससे अच्छी प्रोडक्शन कहाँ हो सकती है? आप रोते रहे हमारे यहाँ गर्मी है सर्दी है, भाई आपके यहाँ तो सारे मौसम है ना, इसी बात पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं, हमारे पास सारे सीजन्स है, तो उसका फ़ायदा उठाएं, उसका फ़ायदा उठाएं, जहाँ हवा ज़्यादा है वहाँ विंड लगाएं, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ वाटर की हाइडल लगाएं, जहाँ सन ज़्यादा है वहाँ सोलर लगाएं और इस मसले को ख़त्म कर लें, ख़त्म करें, नहीं वहीं जाना है, उन्हीं से तेल खरीद के ले आना है, वो भी उधारी पे ले आना है, बाद में रोते रहना है उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, रोल ओवर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और फिर वो तेल खरीदा एक अलग मैकेनिज्म, उस तेल से जो बना के बेचा बिजली उसका एक अलग बेवकूफ़ों का निज़ाम, जिसके अंदर ना रिकवरी करी, आधों को फ्री में बांट दी, बाकी महंगी बना के बनाने वाले को बोला तुम जितनी बना सकते थे उस हिसाब से तुम्हें पैसे दे देंगे, बनाओ या ना बनाओ वो बाद में देखेंगे। तो सारा का सारा जो फार्मूलाज हैं वो खुद ही सेट किए हुए ना, तो अमेरिका ने आके तो सेट नहीं करवाया ना फार्मूला, आपने खुद सेट किए हुए बिजली के मैकेनिज्म। अगेन नुकसान किसका है? अपना मुल्क का और उस कंज्यूमर का, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आखिर में पैसे तो उसी की जेब से निकलते हैं ना, स्टेट को अपनी जेब से तो नहीं देती ना, तो बस पिसे जा रहा है कंज्यूमर, पिसे जा रहा है, पिसता रहेगा, जब उसकी सख्त ख़त्म हो जाएगी उस दिन वो वापडा का मीटर कटवाएगा। अब कंज्यूमर भी कल्प्रेट है, वो वापडा का मीटर उस दिन कटवाएगा जब वो पूरी तरह पिस चुका होगा, अब कुछ बचेगा ही नहीं, उससे पहले वो भी अपने एंड पे रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट नहीं करेगा। स्टेट का मसला तो एक अलग तरफ है ना, कंज्यूमर भी तो अपने एंड पे अपनी एनर्जी डिपेंडेंस की तरफ जा सकता है, बट जब तक नहीं जाएगा तब तक वो भी इसी चक्की में पिसा रहेगा और बेकार की बहसों में पड़ा रहेगा कि आज बिजली इतनी महंगी हो गई और कल बिजली इतनी सस्ती हो गई। बहरहाल इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।